सदियों नमस्कार। ये जो देख रहे हैं ना दोस्तों, एक नया कॉन्सेप्ट में ही बनाया गया। मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा। ये टोटल बना हुआ है एएसी ब्लॉक की मदद से, मतलब लाइट वेट ब्रिक की। और जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ ना, ये वाला पोर्शन भी एकदम मतलब फ्यूचर में आप रिमूव भी कर सकते हैं, उस टाइप का है। ओके, पोर्टेबल टाइप में बनाया गया। मेन इंटेंशन कैसा है आपको मैं पूरा दिखाता हूँ, तो देखने के बाद आपको भी पता चलता है, एक आइडिया मिल जाता है। ऑल क्रेडिट गोज़ टू दी ओनर ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर आर्किटेक्ट ऑल दी वर्कर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे स्टील का इस्तेमाल किया हुआ है। तो मैं अभी बाहर दिखाता हूँ, बाहर से पूरा फुल वॉक थ्रू दिखाऊंगा, तो आपको पता चल जाता है। बाहर का व्यू है, और यहाँ से आप लोग चलते हैं अंदर की तरफ। ये एक पोर्शन है, मतलब जैसा डुप्लेक्स घर रहता, देखो उस एक अंदाज में बनेगा ये वाला। यहाँ से रेंट पोर्शन, ये शॉप से कमर्शियल बिल्डिंग है। यहाँ से अंदर आ गए आप लोग, फिर उसके बाद एक शॉप है। ओके, ये शॉप, फिर इसके बाद आप ऊपर चल सकते हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर। एंड और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, और यहाँ पर देखिए सपोर्टिंग भी दिए गए, और उसके साथ यहाँ पर एक बाथरूम भी है नीचे की तरफ, जैसा आप लोग देख सकते हैं ये सपोर्टिंग। एंड इसको कैसा खड़ा किया गया, देखो नीचे की तरफ ऐसा लोहा यूज़ किया गया, ये वाला शीट से। ओके, मतलब आपका स्लैब को टिकाने के लिए ये शीट्स यूज़ किया गया, काफ़ी हैवी और सॉलिड स्टील से है। ओके, यहाँ से आप लोग जा सकते हैं एक फ्लोर की तरफ, यहाँ पर शीट्स, इसको बाद में शायद पेंट वो सब करने वाले हैं। पूरा लोहे से ही आप लोग ऐसा बना सकते हैं। और हमारे आजकल जो है यार, ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, सीमेंट कंक्रीट का स्टील, सीमेंट कंक्रीट का जो है कम यूज़ करके स्टील का ही वर्क कर रहे हैं। सो फ्यूचर में आप इसको पोर्टेबल भी बना सकते हैं, समझो उससे कॉन्सेप्ट के एक ध्यान में रख के शायद उन्होंने बनाए ओनर। और ये वाला शीट काफ़ी मजबूत है, हेवी वाला शीट से ये वाला। यहाँ पर एक कटिंग है, कटिंग का एक पीस दिखाऊंगा आपको। जो भूसा रहता है देखो, उसे एक यूज़ करके बनाया गया है ये वाला सॉलिड वर्क। फिर उसके बाद में इन्हों कुछ ना कुछ वर्क कर सकते हैं, समझो पूरा वेट ले रहा। देखो सर दोस्तों, ये वाला देखो, शायद थोड़ा कुछ रीज़न की वजह से यहाँ पर क्रैक आया, बट पूरा वेट ले लेगा ये। मैं आपको दूसरा पोर्शन की ओर दिखाऊंगा, ये नीचे जाने का रास्ता। यहाँ पर टाइल्स लगा सकते हैं, ग्रैनेट या फिर वुड वर्क में कर सकते हैं। इसीलिए हर एक जगह पर जो है यहाँ पर होल्स है, ये वाला देखो। और इसके ऊपर ये एंट्रेंस, यहाँ पर भी सीढ़ियाँ है। स्टील वर्क की मदद से बनाए हुए हैं स्टेप्स। ऐसा कुछ ना कुछ आप रेस्टोरेंट या फिर कोई बैंक सब चला सकते हैं। शीट फुल रूम, या फिर एक फंक्शन हॉल के जैसा। सिंगल ब्रिक माउंटेड एसी ब्लॉक्स,
वैसे आप सोच रहे हैं कि इससे खर्चा कम होता है, मेरे ख्याल से यार इसका भी बहुत कुछ खर्चा हो सकता है, बट फ्यूचर में अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो इसको आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। वो एक आपको बेनिफिट रहेगा इन माय ओपिनियन। एंड ये जो मेन पिलर रहता, देखो ये पिलर पूरा नीचे से लेके ऊपर तक लिया गया है ऐसा। सो दैट्स इट, थैंक यू।